Assalamu alaikum class 2, how are you all? Hope you all are fine. I am Miss Abiha, your maths teacher, and today we are going to do multiplication of two digits. As I already explained two digit multiplication, मैंने आपको two digits की multiplication explain की थी last class में. आज हम उसका bookwork करेंगे, ठीक है? So let's open page number 71. पेज नंबर 71 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारे पास टू डिजिट्स हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, दैट इज़ वंस एंड टेंस. अब तक हमने जितनी मल्टीप्लिकेशन की थी वो वंस को वन से ही मल्टीप्लाई किया था. अब हम करेंगे वंस को वन से, एंड इन द सेकेंड स्टेप वी मल्टीप्लाई वंस विद टेंस, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंशन द डेट 26/1/2021, क्लास वर्क एंड ट्यूजडे. इसी क्लास वर्क में से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिमिटेड क्लास में कराऊंगी और बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं. और मुझे पता है कि मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत जल्दी जल्दी फौरन फौरन कर लेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. इसको मैं आपको सिर्फ समझाती हूँ. ये 6 है, ऊपर आपके पास दो नंबर हैं 11, दैट इज़ 1 एंड 1, 1 10 1s का और 1 10s का. 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप? इन द फर्स्ट स्टेप वी मल्टीप्लाई वंस बाय वंस, 6 1s are 6, एंड इन द सेकेंड स्टेप वी मल्टीप्लाई वंस बाय टेंस, 6 2 6 1s are 6, ठीक है? नाउ कम टू पार्ट बी. पार्ट बी मैं आपको करा रही हूँ 2 3s are. फर्स्ट हम वंस को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6, एंड उसके बाद वंस को हम करेंगे टेंस से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2. टेंस में हमारे पास 1 है, ठीक है? डू नीट एंड क्लीन वर्क. प्लेस वैल्यू के नीचे ही आपने सही नंबर लिखना है, बिल्कुल मिला के नहीं लिखना, वरना वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? ओके, सी पार्ट आप खुद करेंगे, डी पार्ट आप खुद करेंगे, ई पार्ट मैं करा रही हूँ. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है, या जब कभी किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है, या ज़ीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आंसर क्या होता है? आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो. सो ज़ीरो अगर वंस प्लेस पे नीचे है या कहीं भी है, आंसर आपका ज़ीरो ही आएगा. 0 8s are 0. नाउ ज़ीरो को टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे. टेंस पे कौन सा नंबर है? 2. 0 2s are 0, ठीक है? द आंसर इज 0. ओके, एफ पार्ट आपको मैंने वंस की मल्टीप्लिकेशन भी बताई थी, 1 की, कि जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? जो दूसरा नंबर हमारे पास होता है, दैट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है? 2 1s are 2. फिर हम इस वंस को टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे. टेंस में कौन सा नंबर है हमारे पास? 4 2 4s are 8, ठीक? वेरी गुड. जी पार्ट आप खुद करेंगे, एच पार्ट में आपको करा रही हूँ. एच पार्ट में देखो, ई पार्ट में ज़ीरो नीचे था, ठीक है? हमने ज़ीरो को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया था. अब एच पार्ट में क्या है आपके पास? ज़ीरो ऊपर है, ठीक है? तो मैं इस नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी. बट ज़ीरो चाहे 8 से मल्टीप्लाई हुआ या 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ऑलवेज मेरे पास आंसर आएगा 0, ठीक है? अब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 2s are 6. यहाँ पे दोनों जगह 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 को ही इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया था, ठीक? यहाँ पे एक जगह 0 इसलिए आया क्योंकि नेक्स्ट नंबर मेरे पास 2 है, सिर्फ एक दफ़ा 0 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आप खुद करेंगे, बल्कि ए पार्ट तो हुआ हुआ है. बी आप खुद करेंगे, सी आप खुद करेंगे, डी आप खुद करेंगे, ई भी आप खुद करेंगे, एफ भी आप खुद करेंगे, जी भी आपका होमवर्क है, एच मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है? 0 0s are 0. 0 जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आया, कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आया, बट जब 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है. अब अगेन यहाँ पे 1 से 0 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो 0 1s are 0. ओके क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल. डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस एट योर होम. इसको भी कंप्लीट करना है. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.